तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि जो वेज डैश फार्मूला होता है उसको हम लोग कैसे फेशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई वगैरह में पूछ लिया जाता है। कन्वर्ट करने को नहीं पूछ रहता है, एटलीस्ट अपने को पहचानने की तो आना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका एग्जैक्टली जो कन्वर्ट स्ट्रक्चर होगा वो कैसे दिखेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट्स से कंसिडर, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के सामने। ये ऐसे बना लेते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें से वेज कौन सा होता है, डैश कौन सा होता है, ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा वेज, ये वाला, ये होता है हमारा वेज। और ये जो लाइन ऊपर से दिख रहा है ये होता है हमारा डैश। और ये जो है ये हम लोग का एक ही प्लेन ऑफ द पेपर में। तो यहाँ पे मैं एक ग्रुप लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल COOH, यहाँ पे एक OH लगा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक हमारे पास ये वेज फार्मूला हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को, फेशर प्रोजेक्शन फार्मूला में। कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि वो रूल क्या है। बहुत सिंपल सा रूल है, डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे इसके अंदर, बस हमको कैसे ये आइडिया मिल जाए कि हम लोग इसको कैसे फटाक से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो डैश वाला है ये हमारा बैक साइड का हाइड्रोजन है, तो ये हमारा कौन से साइड का हुआ, बैक साइड का, बैक साइड हाइड्रोजन। ये हमारा अबव द प्लेन हो गया, तो इसको लिख सकते हैं अबव द प्लेन। और ये जो दोनों है ये प्लेन ऑफ पेपर पे होते हैं। तो जब मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास कायरल सेंटर कितना है, एक कायरल सेंटर है, तो हम लोग एक ऐसा वर्टिकल लाइन देंगे और एक क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे, हमेशा याद रखने का। अब हमको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग को ये टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है जिसमें हाइड्रोजन क्या बैक साइड पे। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है, जो बैक साइड वाला होता है उसको हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके आना होता है, हमेशा याद रखिए। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये हम लोग को, ये जो है ये वर्टिकल लाइन पे हमेशा जो प्लेन ऑफ द पेपर पे होते हैं वो क्या करना है हम लोग को, पहले लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे H के बदले में CH3 लिख देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज किया मैंने, CH3 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH। इस वर्टिकल लाइन पे देखो एक और क्या है हम लोग के पास, CH3। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जो बैक साइड का ग्रुप है वो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन पे चाहिए, तो हमेशा याद रखने का, जो डैश वाला होता है, जो डैश वाला होगा वो वहीं पे रहता है। तो डैश वाला कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, तो वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, राइट हैंड साइड पे रहेगा। और ये OH क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, तो ये OH कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो ये हम लोग का एक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मैंने एक और ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंड है यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक क्लोरीन लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक ब्रोमीन लगा देता हूँ, ठीक है। और ये अगर अबोदी प्लेन है तो ये इसका बैक साइड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और ये अगर अबोदी प्लेन है तो ये क्या हो जाएगा, इसका बैक साइड का हाइड्रोजन। तो देखिए ये तो प्लेन ऑन द पेपर के, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है, बराबर। तो जब मैं इसको फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले इसके पास कायरल सेंटर कितना है, एक दो, दो कायरल सेंटर है, तो एक वर्टिकल लाइन आएगा और दो कायरल सेंटर आ जाएंगे, बराबर।
अब अगर देखेंगे तो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर भी क्या है, मिथाइल है, प्लेन ऑफ पेपर के नीचे भी क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल अपना आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो क्लोरीन है राइट में, तो मैंने क्या बोला, जो डैश वाला होता है वो हाइड्रोजन, वो जिस पोजीशन पे होगा या जिस साइड में होगा वो हमेशा उधर ही होगा। तो ये हाइड्रोजन देखो राइट हैंड साइड में, तो क्लोरीन कहाँ पे आएगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हाइड्रोजन देखो अभी कहाँ पे है, ये हाइड्रोजन देखेंगे तो हम लोग को ये हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ब्रोमीन कहाँ चले जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड पे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे जैसे क्या करना है, आप ड्रॉ करके निकाल सकते हो। हमेशा याद रखो, आपको जो भी डैश पे लिखा होगा और वो जिस साइड पे होगा आपको उसी साइड पे रखना है। अगर वो राइट में है तो राइट में रखना, अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रखना है। और जो अबोदी प्लेन होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहेगा कन्वर्जन ऑफ विच डैश टू फ्यूचर प्रोजेक्शन फार्मूला। बहुत ही सिंपल है ये, एकदम सिंपल सा मैंने आप लोगों को बताया कि क्या करना है। पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, जो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है उसको ऊपर नीचे क्या करना है, वर्टिकल लाइन पर लिख देना है। जो डैश वाला जिस पोजीशन पे होगा उसको उसी पोजीशन पे लिखना है। और ये जो अबोदी प्लेन होगा वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट वाले साइड में क्या होगा, आ जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।